अजनी परिसर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक गुंडों की टोली ने पुराने रंजिश के चलते 36 वर्षीय अमोल सुरेश मेहर नाम के कुख्यात बदमाश के धारदार शस्त्र से गोद कर हत्या कर दी। जानकारी है कि आरोपी ने भी 2013 में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था। जानकारी मिली है कि मृतक अमोल मेहर की आपराधिक पार्श्वभूमि रही है, उस पर 2013 में हत्या का मामला दर्ज किया था। उसी का ढोस दिखाकर वह अक्सर अजनी परिसर में बदमाशी बगारते थे। इस वजह से परिसर के लोग भी परेशान थे। घटना के दिन हावड़ा पेट परिसर में ही रहने वाले आरोपी रजत शर्मा, कार्तिक शर्मा, नितेश मस्के और सुनैन खर्चे अपने अन्य दोस्तों के साथ गली नंबर 6 में बैठे थे। इस दौरान वहां से मृतक गुजर रहा था। आरोपियों ने उसे रोका और फिर झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने चाकू निकालकर मृतक अमोल को गोद दिया। इस बीच परिसर के लोगों ने बचाव करने की कोशिश की, जिसमें आरोपी भी जख्मी हुए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पहुंचने तक अमोल को मेडिकल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर मौजूद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हावड़ा पेट में रहने वाले अमोल मेहर, इस व्यक्ति पर हमला हुआ, उसमें उनकी मौत हो गई है। उस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया है। उसमें से अपन चौकसी लिए कुछ आरोपी ताबे में भी लिए हुए हैं। ये चौकसी में अभी शुरुआती चौकसी में हमको इनका आरोपी और इनका कुछ पुराना एक विवाद था, ऐसा आ रहा है चौकसी में। क्या विवाद था, किस वजह से घटना हुई, इसमें और कौन कौन शामिल है, इसकी चौकसी और तपस चालू है। इसका प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम था, ऐसा सुनने में आ रहा है। इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है? हाँ, इस आरोपी है जो कुछ हमने ताबे में लिए, उनका भी और उनका मृतक का भी पुराना रिकॉर्ड है।